खुदा का सलाम हो आप पर और आपके अहल पर। प्यारे, ये जो कुछ भी तुमने देखा है और जो तुम पे बीती, ये हाल जब हुआ जब मैंने अपने वतन को छोड़ा, तो अब अंदाजा लगा लो कि 50 साल के ये वक्फा पड़ता है। इस पर क्या क्या बीती इस दिल के ऊपर, खुदा ने अपना बोझ भी रखा, फरिश्तों और दूसरी मखलूक का बोझ भी रखा। खुदा ने अंबियाओं का बोझ भी रखा और अबलीस का बोझ भी रखा, और जितनी मखलूकात थी आसमानों में जिनका दावा था कि वो खुदा से इतना बोझ उठा सकते हैं, वो भी रखा, और वो सब बोझ उठाकर खुदा ने मुझे कहा कि तू मेरा दिल है, तूने जमीनों आसमानों के बोझ उठा लिए, अब तू मेरे दिल की नुमाइंदगी खुले जहानों में आलम में करेगा, तू हर जमाने का नजीर होगा। तो ये तो अभी एक कुछ लहमे के लिए, जैसे वो बादल नहीं गुजर जाते, ये गुजरे हैं, तो वो क्या होगा गम जो सुबह शाम खुदा का दिल बन के मैं उठाए हुए हूं, फिर भी चेहरा मुस्कुराता है लेकिन अंदर से गम के एक अजीब आलम है। तो ये खुदा ने जो नजारा कराया है, ये दिखाया है कि देख, वो जो कहता है कि इन जहानों में मुझे दिल बना दिया खुदा ने, वो देख, उसे मैं सारे जहानों में तर्जमानी के लिए वैसे नहीं भेज दूंगा, मैंने उसे एक उम्र बीत गई और सारे बोझ उठाए उठाए वो फिरता है, तो जहां भी तुम पहुंचोगे, जो मखलूकात भी, वो मेरी मोहब्बत पाकर मेरी राहों से निकलकर खुदा के दिल को समझेंगी, उससे पहले नहीं समझ सकती। ये मजमून है। तो जिसने मेरी मोहब्बत का बोझ उठा लिया, क्योंकि खुदा ने मुझे अपना खास खासम खास दिल कहा, वही खुदा को जान सकेगा। तो ये मजमून यूं दिखाया गया है कि खुले जहान में कौन सी चीज है जो तू तोहफे में खुदा को देगा, वो सारे तोहफे तो उसी के हैं, लेकिन अगर ये घड़ियां आ जाएं या ये लम्हात आ जाएं कि खरबों दफा तू अपनी जिंदगी लुटाए और अपनी मोहब्बत मांगे, तो फिर देख ये क्या बीतती है। जो बीतती है वो खुदा ने तुम्हें थोड़ा सा महसूस कराया, कुछ घड़ियां। अगर ये हाल तुम्हारा 50 साल मेरे जैसा हो जाए 24 घंटे के अंदर, तो तुम पे क्या बीतेगी। तो कुछ देर मेरे गम को महसूस करके देखो।
यही तो मैं चीखो पुकार कर रहा हूं, यही तो मैं मातम कर रहा हूं कि दुनियाओं जहानों की मोहब्बत एक तरफ, मेरी मोहब्बत एक तरफ। जो याकूब ने मोहब्बत की थी यूसुफ की, वो भी डाल दो तो मेरी मोहब्बत का पदड़ा भारी निकलेगा। हत्ता के खुदा ताला ने अपने दिल का बोझ भी मेरे दिल पे रखा और सारे जहानों के बोझ को मिलाकर तब भी मेरा पदड़ा जो था ना दिल का, वो जमीनों और आसमानों पे भारी निकला। तो खुदा ने मेरी कदरों कीमत का एहसास दिलाया है तुम्हें कि देख ये घड़ियां हैं, ये वक्त है, ये कहीं बर्बाद ना हो जाए। जिसने कुल्ले जहां की आजादी पंछी बन के चाहता है, ना खत्म होने वाली मोहब्बत को समेटना चाहता है, टूटे हुए दिलों में से गुजर कर मेरे दर तक आना चाहता है, जो सुकून के जहां पे ठाटे मारते हुए समंदर हैं उनसे गुजरना चाहता है, तो आओ। मैं इंसानों को कह रहा हूं कि मेरे दिल को महसूस और जान के देखो, क्योंकि यही वो राह है जो तुम्हें खुदा की खबर देगी कि खुदा का गम क्या है, खुदा भी क्या बीत रही है। ये अपना दूसरे ग्रुपों में भी लगा दें और ये अपने ग्रुपों में भी मेहरबानी करके लगा दें।